नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो फूड ग्रेन है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसका क्या एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1965 में बनाई गई थी, जो अंडर फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में, और इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में आया और FCI 1965 में, चूँकि एक्ट जो होता है 1 साल पहले पास होता है और एक्ट पास होने में संसद का रोल होता है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट के फॉर्म में होता है। तो एक थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, और तो पूरी तरह से वायबल होने के लिए उस इंस्टीट्यूट को पूरा मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए 1 साल का एटलीस्ट टाइम लग ही जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट सिस्टम टू फार्मर बाय प्रोक्योरिंग द क्रॉप एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इफ दे आर नॉट एबल टू सेल इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी ऑथराइज मंडी। इसका है कि जैसे जो APMC मंडीज़ हैं वहाँ पर अगर जो लोग नहीं बेच पा रहे हैं तो उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करना उसके प्रोड्यूस का। तो फार्मर्स के लिए क्या होते हैं, फार्मर्स के लिए या तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप APMC मंडी में बेचिए या तो बाहर किसी मंडी में बेचिए, बाहर किसी लोकल मार्केट में बेचिए, तो प्राइस काफ़ी फॉल हो सकता है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है कि आप वहाँ पे एक इतना दाम पे आप बेच सकते हैं, या APMC मंडी में भी बेच सकते हैं। दूसरा है टू प्रोक्योर एंड सप्लाई ग्रेन टू PDS फॉर डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडाइज स्टेपल्स टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इसमें एक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे FCI गोडाउन, FCI क्या करती है, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, फिर वो क्या करती है कि वो फूड ग्रेन्स तो अपने लिए रखेगी नहीं, वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करेगी, तो वो फिर PDS को भेज देती है। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप लोग देखते होंगे राशन की दुकान, उसे PDS कहते हैं। एंड नेक्स्ट है टू कीप स्ट्रेटेजिक रिजर्व टू स्टेबलाइज मार्केट फॉर बेसिक फूड ग्रेन। वो एक रिजर्व बफर स्टॉक मेंटेन कर सकता है ताकि बेसिक जो फूड ग्रेन है उसकी कभी कमी ना आए। जैसे मान के चले अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस में, जैसे अभी COVID-19 का अटैक आ गया, COVID-19 का अटैक के कारण क्या हुआ कि फूड सब्सिडी और ये फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हो गई, तो सरकार ने फूड सब्सिडी अलॉट किया और उसके लिए जोड़ दिया गया अलग अलग चीज़ों से। नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, टू प्रोक्योर फूड ग्रेन एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द फार्मर एट ओपन इंडेड बेसिस। ओपन इंडेड बेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी फूड ग्रेन हो उसकी एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको इस साइज़ का लाना है तभी एक्सेप्ट होगा। अगर आपके पास व्हीट है, व्हीट मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि ठीक वायबल होना चाहिए, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओपन इंटेड बेसिस है। ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट कर देगा कि आप नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, द ग्रेन्स आर मूव्ड फ्रॉम द सरप्लस स्टेट टू कंज्यूमिंग स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक एंड स्टोर्ड इन FCI गोडाउन। जैसे जो सरप्लस ग्रेन कहाँ है, जैसे मान के चलिए व्हीट और राइस के सरप्लस प्रोडक्शन कहाँ हो गया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न UP। अब डिफिसिट कंडीशन कहाँ है, वेस्ट बंगाल, बिहार, इस रीजन में। तो वो सरप्लस वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ भेजा जाएगा, डिफिसिट स्टेट में, ताकि वहाँ पे वो एक बफर स्टॉक मेंटेन रहे FCI गोडाउन में। नेक्स्ट, द फूड ग्रेन आर ऑल्सो डिस्पोज बाय FCI एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू सेल ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू क्या होता है कि फूड ग्रेन क्या होता है, ऑल्सो डिस्पोज मतलब जो एक्सेस है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को बेच दिया जाता है कि आप ले सकते हो ओपन मार्केट के थ्रू। और जो डिफरेंस होता है इकोनॉमिक कॉस्ट और सेंट्रल इशू प्राइस, जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड सब्सिडी कहते हैं। और नेक्स्ट, उसमें क्या होता है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फॉर मार्केट, मार्केट का प्राइस स्टेबलाइज रहे, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, अब देखिए कि इकोनॉमिक कॉस्ट और इशू प्राइस होता क्या है। जो हम लोग फूड सब्सिडी की बात पिछले स्लाइड में किया, उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट और इशू प्राइस, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, जैसे हमने जो MSP से, जैसे मान के चलिए कोई FCI गोडाउन है, ठीक, FCI की कोई यूनिट है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो क्या करेगी, फूड ग्रेन को MSP पे लेगी, फिर उसको प्रोक्योर करेगी, इंसिडेंटल में क्या करेगी, अब लेने के बाद वो लेबर वहाँ से ट्रांसपोर्ट कराएगी, गोडाउन को रेंट पे लेगी। नेक्स्ट में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब उसको क्या करेगी, वो तो अपने पास रखेगी नहीं, उसको अलग अलग गोडाउन में भेजना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्राइट, हैंडलिंग, स्टोरेज, इंटरेस्ट चार्ज, लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज। बहुत बार क्या आप लोग देखते होंगे कि
FCI गोडाउन में बहुत सारे चूहे मिल गए या बाहर में ही रखा हुआ था जिसके कारण ख़राब हो गया, तो वो भी एक समस्या है। तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है। इशू प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच द प्रोक्योर्ड एंड बफर स्टॉक फूड ग्रेन प्रोवाइडेड थ्रू PDS, ऐसा प्राइस जिसमें क्या होता है जो PDS के थ्रू दिया जाता है, मतलब जिस प्राइस पे PDS के थ्रू फूड ग्रेन दिया जाता है वो क्या है? इशू प्राइस। अब आप इस चीज़ को पिछले वाले स्लाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक कॉस्ट और सेंट्रल इशू प्राइस का डिफरेंस, उसी को क्या कहा गया? फूड सब्सिडी। इकोनॉमिक कॉस्ट, जैसे मान के चलिए कि आप कोई MSP में ₹50 से कोई प्रोडक्ट लिए और आपने PDS के थ्रू आप उसको ₹20 में बेच रहे हैं, जो ₹30 का जो गैप है वो गवर्नमेंट पे करेगी, उसी को कहा गया है फूड सब्सिडी। तो इसलिए हम लोग फूड सब्सिडी के बारे में हमेशा मिसकंसेप्शन होता है कि वो फूड सब्सिडी वो जनरल प्राइस के लिए होता है, ऐसा नहीं। ये स्पेशली इसी PDS सिस्टम के आसपास जो घूमते रहता है उसे फूड सब्सिडी कहते हैं। इशू क्या है? फूड ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम से सबसे पहला इशू है स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास जो भी स्टोरेज फैसिलिटी है हम लोग ओपन में उसको स्टोर करते हैं, इसमें प्लिंथ सिस्टम, जैसे उसमें ये सिस्टम में यह होता है कि जब उसको स्टोर करके एक फ्लोर पे रख दिया, उसके ऊपर एक ब्लैक प्लास्टिक रख दिया। दूसरा है इंक्रीज फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन क्या हो क्यों होगा? क्योंकि अगर आप फूड ग्रेन को अगर आप अपने पास स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा कि आपके मैक्सिमम चीज़ें तो आपके पास स्टोर्ड है FCI गोडाउन में, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा, तो फूड इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस ऑफ बफर स्टॉक। बहुत बार क्या हो जाता है कि ओपन एंडेड बेसिस है, अभी मैंने इससे पहले बताया कि ओपन एंडेड बेसिस है कि आप किसी को मना नहीं करेंगे कि आप हम इतना ले लिए अब इसके बाद आपका नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। जितने लोग जमा करने आएंगे सबका लिया जाएगा, सबका फूड ग्रेन लिया जाएगा, तो आपके पास कभी कभी एक्सेस स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन हाई वेस्टेज। अब पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन हाई वेस्टेज, जिन्होंने ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया होगा क्रॉप को, या फिर जिन्होंने स्टोरेज अपने हार्वेस्टिंग या किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन क्या होगी? ख़राब होगी, मतलब उतना अच्छी नहीं होगी, तो वेस्टेज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हाई फिजिकल लोड ऑफ प्रोक्योरिंग कैरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेस स्टॉक। अब प्रोक्योरमेंट में, कैरिंग और मेंटेनेंस में, जो बफर स्टॉक को मेंटेन करने में, ये सब चीज़ों में जितना फिजिकल लोड रहता है ये भी एक इशू है। अनकम्पिटेटिव एक्सपोर्ट। अब आप सोचिए आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि WTO का रूल तो कहता है कि आप एक्सपोर्ट के लिए एक फेयर मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम लाइए। तो WTO जो ऐसा कि आप जानते हैं 1995 में बना था, तो उसमें तीन तरह की बॉक्सेस होती है, अम्बर बैग्स, ब्लू बॉक्स, ये सारी बॉक्सेस होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप एक लिमिटेड तक सब्सिडी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के लिए, ये वहाँ एक्सपोर्ट के लिए वो बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है अनकम्पिटिटिव एक्सपोर्ट। अब ये तो हो गया करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग। आप मैक्सिमम इसमें क्या चांसेस होते हैं कि FCI गोडाउन के जो अच्छे ग्रेन्स है उसको हटा के ख़राब वाले ग्रेन्स उसमें रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इकोनॉमिक बर्डन ऑन FCI पे बहुत सारे लोन्स आ गए हैं, बहुत सारे, क्योंकि वो लोग रेंट पे लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोन्स आ गए हैं। अब इस पे सजेशन मांगा गया तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई 2014 में, शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशन। इसमें क्या होता है प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे किस तरह से किया जाना चाहिए। तो प्रोक्योरमेंट में कहा कि डाउन साइज FCI बाय आउटसोर्सिंग मेनी ऑफ इट टास्क टू स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बॉडी एंड प्राइवेट कंपनी। कहा कि FCI को डाउन साइज करके कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, कुछ काम पब्लिक सेक्टर बॉडी को दे दिया जाए, कुछ प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए। नेक्स्ट ऑन FCI प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेवाई कमीशन बिटवीन 2-15%, तो यूनिफॉर्म रेट शुड बी फिक्स्ड फॉर एंटायर इंडिया। FCI क्या करती है ना, हर स्टेट में आज का स्टेट गवर्नमेंट का अपना कमीशन का अपना अपना पार्ट है, कहीं 2% है, कहीं 15% है, यूनिफॉर्म रेट कहीं नहीं है। तो इससे जो भी गोडाउंस को रेंट देते हैं या रेंट उसको हायर करते हैं, जो भी समस्या होती है यूनिफॉर्म रेट नहीं होने के कारण होती है, प्रोक्योरमेंट फिक्स नहीं हो पाता। सेकेंड है प्रोक्योरमेंट पेमेंट सिस्टम, पॉपुलराइज निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, जैसे मान के चलिए आपने किसी, आपका कोई प्रोड्यूस है और आपने किसी गोडाउन पे रखा है, तो वो एक रिसिप्ट दे देगा, आप उसी रिसिप्ट पे आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। तो ये निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट सिस्टम कहा गया। थर्ड
थर्ड में है बफर स्टॉक, ओनली ए स्ट्रिप डाउन बफर स्टॉक ऑफ 10 मिलियन टन शुड बी मेंटेन एंड ग्रेन शुड बी इम्पोर्टेड इन केस ऑफ डायर नीड। अगर एक्सेस नीड की जरूरत हुई तो हम कहीं बाहर से लेंगे, हमें एटलीस्ट 10 मिलियन टन हमेशा अपने पास रिजर्व होना चाहिए, एक्सेस रिजर्व करने की जरूरत हमें नहीं है। चौथा में कहा स्टोरेज रिफॉर्म, स्टोरेज रिफॉर्म में क्या कहा, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप गारंटी स्कीम टू कंस्ट्रक्ट गोडाउन इन पीपीपी मोड। बहुत सारे पीपीपी मॉडल का होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्राइवेट गोडाउन को क्या करते हैं हायर करते हैं, प्राइवेट गोडाउन को भी हायर करते हैं, गवर्नमेंट भी या कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट में करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक पब्लिक प्राइवेट का एक इक्वेशन सेट करके एक गारंटी स्कीम ला सकते हैं। नेक्स्ट ग्रामीण भंडारण योजना टू प्रोवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम टू बिल्ड एंड रिनोवेट रूरल गोडाउन को इनोवेट करने के लिए हम लोग ग्रामीण भंडारण योजना ला सकते हैं। टू रिप्लेस द कवर एंड प्लिंथ गोडाउन विथ सिलो विथ मैकेनाइज और रोबोटिक असेंबली। कवर एंड प्लिंथ सिस्टम जो अभी बताया मैंने कि वो उसको ब्लैक पॉलिथीन से वो कवर कर देते हैं प्लिंथ सिस्टम, उसको सिलो से चेंज करना पड़ेगा। पांचवा में है ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट ग्रेन इन कंटेनर रेदर दैन गनी बैग टू रिड्यूस लॉस, फास्टर टर्न अराउंड टाइम इन रेलवे एंड वाटरवे। हमें ऐसा करना होगा कि हम लोग को कंटेनर ज़्यादा इजीली मूवेबल हो, मतलब उसका इफ़ेक्टिवनेस और उसका जो भी इम्पैक्ट हो, जो हम लोग उसको कहीं ना स्टोरेज करते हैं, कहीं वहाँ से निकालते हैं, कहीं बाहर फेंकते हैं, तो ये सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस को हार्म पहुँच जाता है, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो डिटोरिएट कर जाती है। तो हमें ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें कि इफेक्टिवनेस उसका कम हो। कंस्ट्रक्ट सिलो एट मंडीज एंड प्रोवाइड रेल कनेक्टिविटी, मंडीज को रेल से कनेक्ट कर दिया जाए। पेरिसेबल कमोडिटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड एट रेफर व्हीकल फॉर रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और इन टू इन कंप्यूटराइजेशन एंड ऑनलाइन ट्रैकिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या करना है, इन टू इन आप देखते होंगे कि GPS सिस्टम लगाया गया हर ट्रैक्टर में, हर ट्रक में, ताकि वो इजिली उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दिया जाए, कहीं ट्रक ही ना बदल गया हो, ऐसा भी समस्या होता है। तो MSP पॉलिसी छठे में कि हमें MSP पॉलिसी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जैसे वीट और राइस के केस में क्या होता है कि MSP पॉलिसी में अदर क्रॉप को भी ऐड करना होगा, अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फूड ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। इसमें एक और एक चीज़ों में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं कि MSP क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, इशू प्राइस क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि MSP प्राइस क्या होता है, पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कुछ रिकमेंडेड 23-24 क्रॉप्स के लिए भारत सरकार क्या करती है कि उसके लिए एक MSP तय करती है, और ये करता है रिकमेंडेशन ऑफ CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन इसको फाइनल अप्रूवल दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा दिया जाता है। अब हो गया प्रोक्योरमेंट प्राइस में मतलब कि FCI जिस प्राइस पे उसको खरीदती है उस फूड ग्रेन को, तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट प्राइस। और इशू प्राइस क्या होता है, जो फूड ग्रेन हमें सबसे डाइज रेस्ट पे और अफोर्डेबल प्राइस पे जो PDS शॉप पे प्रोवाइड किया जाता है वो है इशू प्राइस। ओके, थैंक यू।